हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ स्टैंडर्ड 5 यूनिट 8। दिस इज मेन कोर्स बुक एनसीईआरटी सब्जेक्ट इंग्लिश मैरीगोल्ड। ओके, यूनिट नंबर 8। इन यूनिट नंबर 8 देयर इज वन पोयम एंड वन स्टोरी। ओके, सो फर्स्ट पोयम नोबडीज फ्रेंड। नोबडी फ्रेंड, दिस पोयम एंड द लिटल बुली। द लिटल बुली इज अ स्टोरी। ओके, सो फर्स्ट वी नोबडी फ्रेंड, वी रीड नोबडी फ्रेंड्स। नोबडी फ्रेंड्स मीन्स किसी का भी फ्रेंड नहीं। ओके, सो इन योर पेज नंबर 130 देयर इज अ पिक्चर दैट फर्स्ट स्टैंजा देयर इज अ गर्ल। ओके, सो गर्ल सेड अबाउट अ दैट गर्ल, ये गर्ल गर्ल के बारे में है, देखते हम। सी हैड सम स्वीट डैट सी वुड नॉट शेयर। उसके पास कुछ चॉकलेट है जो वो किसी को शेयर नहीं करती। सी हैड अ बुक डैट सी वॉन्ट सॉरी सी हाँ वुडंट लेंड। उसके पास एक बुक है जो वो किसी को पढ़ने के लिए नहीं देती। लेंड मीन्स देना, मीन्स उधार देना, हम किसी को देते हैं पढ़ने के लिए, लेंड मीन्स देना। उसके पास कुछ स्वीट्स है, वो किसी के साथ शेयर नहीं करती। उसके पास बुक है जो वो किसी को पढ़ने नहीं देती। सी वुडंट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल। और उसके पास एक डॉल है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करती, या तो किसी को खेलने नहीं देती। वो खुद अकेली अकेली खेलती है, अकेली खाती है, अकेली पढ़ती है। दैट सी इज नोबडीज फ्रेंड, इसीलिए वो किसी की भी फ्रेंड नहीं है। फ्रेंड तो शेयर करते, बुक्स पढ़ने के लिए देते, साथ में खेलते, बट सी इज नोबडी फ्रेंड्स। व्हाई? बिकॉज सी वुडंट शेयर एनीथिंग, सी वुड नॉट लेंड हर बुक्स, एंड सी वुड नॉट प्ले विथ एनी वन। एंड इन योर पेज नंबर 131 देयर इज अ बॉय। जो बॉय के बारे में है ये, सी हैड सम सॉरी ही हैड सम ट्रॉफी एंड एट एवरी बीट। उसके पास ट्रॉफी है जो किसी को वो देता नहीं, थोड़ा थोड़ा करके खुद ही खाता है। He had a tricycle, he wouldn't lend. उसके पास एक tricycle है जो वो किसी को नहीं देता चलाने के लिए। He never let anyone play with his train. उसके पास एक ट्रेन है, खिलौने वाली ट्रेन है, जो वो किसी को खेलने के लिए नहीं देता। He is nobody's friend. इसीलिए वो किसी का भी friend नहीं है। Like the that girls, he also nobody's friend because he wouldn't share any trophies, any toys, and any his tricycle also. Now, in third picture, there is a girl. Okay, then the girl about that girl. Let's read it. But I will share all my sweets with you. मेरे पास जो भी स्वीट्स है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। My ball and my books and my games I will lend. मेरे पास जो बॉल है, बुक है, गेम्स है, वो मैं क्या करूँगी, शेयर करूँगी, आपको दूँगी खेलने के लिए, पढ़ने के लिए। Here is half my apple and half my cake. मैं अपना आधा केक भी दूंगी और आधा एप्पल भी दूंगी खाने के लिए। आई एम योर फ्रेंड। वो कौन है? वो फ्रेंड है किसके? हमारे फ्रेंड है। ओके, जो स्वीट शेयर करते है, बॉल शेयर करती है, बुक शेयर करती है, गेम शेयर करती है, एंड एप्पल एंड केक ऑल्सो, दैट्स ही सॉरी सी इज आवर फ्रेंड्स। He said this. Sorry, she said this. There are girls. Okay? तो हमने ये पढ़ा nobody's friend. Three picture था nobody's friend में। One girl, she is
nobody's friends. Another picture of boy, he is nobody's friends. But in third picture, there is a girl. That's said. She said that I am your friend. Okay. So this nobody's friend poem is completed. I hope you understand this. Okay, now students, is turn the little bully. So, do you know of any children who tease others or pushes them around? आप किसी को जानते हो? आप जानते हो ऐसे लड़के को या तो चाइल्ड को जो हमेशा दूसरों को क्या करता है, टीज करता रहता है और परेशान करता रहता है. So it's a story about this boy. Let's we read. Once upon a time, not so very long time, एक दिन की बात है, ज़्यादा बहुत पहले की भी बात नहीं है. There was a small boy called Hari. एक boy था जो इसका नाम क्या था, Hari था. Although he was not very big, he was strong and he loved to teach all the boys and girls who went to school with him. वो ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, but वो क्या था, ताकतवर था. And he loved to teach. छेड़ना girls और boys को जो उसके साथ school जाते हैं, खेलते हैं, उसे छेड़ना बहुत पसंद है. Means परेशान करना उसे बहुत पसंद है. What he loved to do most was to pinch. उसे सबसे ज़्यादा क्या पसंद था, pinch करना. Pinch means चुटली भरना बोलते हैं ना गुजराती में, dad. And he would make a big bruise appear in half a second. वो कुछ सेकेंड में ही ऐसा पिंच करता था कि वो सामने वाला उछल जाते थे. आपके पिक्चर में 135 बुक में पेज नंबर 135 में एक पिक्चर दिया गया है, उसमें वो Hari गर्ल को पिंच कर रहा है. जो वो लड़की क्या कर रही है, उछल रही है, इतना जोर से पिंच कर रहा है कि वो उछल गई. एंड अनदर ट्रिक सी प्लेड वॉज प्रिकिंग पीपल विथ अ पिन. और वो पिन से भी चुभता था. कौन? Hari. So you can guess how all the children hated him. आप गेस कर ही सकते हो कि सब बच्चे उसे कितना हेट करते होंगे. जो किसी को परेशान करता है, किसी को पिंच करता है, उसे कोई बच्चा तो अच्छा तो लगेगा ही नहीं कोई, इसीलिए सब हेट ही करेंगे उसे. They tried pinching him back. सब लोग उसे पिंच बैक करने की कोशिश करते थे पर नहीं कर पाते थे. But there was no good because he would always pinch harder. हमेशा वही जोर से पिंच कर जाता. They did not like telling their teacher because that was telling tales. टीचर को भी वो लोग बोल नहीं सकते थे क्योंकि टीचर बोलते थे कि तुम लोग तो बातें बनाते हो, कहानियाँ बनाते हो. It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. फिर ये डिसाइड एक दिन डिसाइड हुआ कि क्लासरूम कहाँ जाए, पूरे क्लास के बच्चे कहाँ जाएंगे, went for a picnic, seaside, okay, for the whole day. All the children were most excited. सब चिल्ड्रन कैसा थे, एक्साइटेड हो गए जाने के लिए. And on that day, the sun shone bright and all the children were wild with excitement. उस दिन क्या था, सन भी एकदम ब्राइट कर रहा था. And all the children were wild and excitement. वो सब एक्साइटमेंट में थे. They crowded into the train and sat down. But nobody wanted to sit next to Hari because he always pinched. सब लोग एक्साइटमेंट में थे तो सब लोग चिल्लाने लगे. दे क्राउडेड एंड दे सेट डाउन इन टू द ट्रेन. ट्रेन में वो बैठे पर किसी को भी Hari के साथ बैठना नहीं था. वाई? बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. हमेशा वो क्या करता था, पिंच करता था, इसीलिए कोई उसके साथ नहीं बैठते. व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड, जब वो सी साइड में पहुँचे, आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विथ अ शाउट ऑफ जॉय. सब लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे और ट्रेन में से बाहर निकले.
डाउन टू द सैंड दे रेस्ट हैंड इन हैंड. सब एक दूसरे के हाथ पकड़ने लगे. बट नो बडी टूक हरीज हैंड. हरी का हाथ किसी ने भी नहीं पकड़ा. दैट्स वाई नो बडी वेंट नियर हिम. वाई क्यों नहीं पकड़ते थे, क्यों उसके नज़दीक नहीं जाते थे? बिकॉज ही ऑलवेज पिंच्ड. हमेशा वो पिंच ही करता रहता था, सबको टीच करता रहता था. हरी वॉज एंग्री. हरी को गुस्सा आया. ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल. एक कॉर्नर में गया और बैठ गया. एंड सैट बाय हिमसेल्फ. खुद ही बैठ गया अकेले. ही टूक आउट हिज लंच एंड लुक एट हिम. लुक एट इट. अपना लंच निकाला और उसे देखा. लंच को देखा तो इट वॉज अ गुड लंच. बहुत अच्छा लंच था उसका. देयर वेर टू हार्ड बॉइल्ड एग्स. दो बॉइल्ड किया हुआ एग्स था. सिक्स जैम सैंडविच था. थ्री पीसेज ऑफ ब्रेड एंड बटर. ब्रेड एंड बटर था थ्री पीसेज. अ जिंजर केक ऑल्सो एंड अ बार ऑफ चॉकलेट. ही वुड ईट ऑल बाय हिमसेल्फ. वो सब खुद ही खाना चाहता था. ही वुडंट ऑफर एनी थिंग्स टू अदर. किसी को भी वो कुछ देना नहीं चाहता था. इसीलिए वो किसी को भी उसने पूछा भी नहीं, कि किसी को ऑफर भी नहीं किया. सो जस्ट एज ही वॉज बिगनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ हॉर्स वॉइस नियर हिम. जैसे वो शुरू करने वाला था एग्स के साथ, एग खा के जब वो स्टार्ट करने वाला था खाने के लिए, कि साइड में से एक आवाज़ आई. कौन सी आवाज़? गुड मॉर्निंग. आई एम सो प्लीज्ड टू मीट अ बॉय लाइक यू. मुझे बहुत खुशी है कि मैं तुमसे मिला. हु सेड? लेट्स सी हु सेड दिस. हरी टर्न अराउंड एंड स्टार्टेड इन फ्राइट. वो पीछे घूमा, टर्न हुआ. उसके बाद उसने वो क्या हो गया, घबरा गया, डर गया. वॉट एवर डू यू थिंक ही सॉ. आपको क्या लगता है उसने क्या देखा होगा? हरी सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब. ही सॉ अ मॉन्स्टर क्रैब वॉकिंग एंड हीज आईज वेयर ऑन द एंड्स. वो क्रैब का आइज है ना, वो साइड साइड में ही था. लुक एट बुक पेज नंबर 137. उसमें एक क्रैब है जिसके आइज साइड में ही है. सो हरी पुट आउट हिज हैंड्स एंड शेक द क्रैब्स क्लॉज. देन आफ्टर हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब्स ओपन हिज फिंगर्स एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटल बॉय हेल्ड. वो जैसे ही हाथ आगे, हरी ने हाथ आगे किया, क्रैब क्या हुआ, अचानक उसे गुस्सा आया और उसका हाथ पिंच किया, लाइक सॉन इन दैट पिक्चर. ओके. एंड दैट बॉय, दैट हरी हर्ट अलॉट. देन आफ्टर ऑह देयर इज माई गुड कजन, सेड द क्रैब प्लीजेंटली. क्रैब सेड दैट ही इज माई गुड कजन टू द हर्ट. He saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. Then after a large lobster, lobster भी सी में से बाहर निकल रहा था. Took his hand in his great pincer like claws and pinched it so hard that Hari yelled in pain. Crab में तो pinch किया ही था, फिर lobster ने भी pinch किया. And the crab said to Hari that he is my good cousin. Then he stared at the pool in surprise. For out came sandy colored shrimps and prawns, more crabs and another large lobsters, and they pricked Hari till he was soon black and blue with their pinching. धीरे धीरे क्या होने लगा, प्रॉन बाहर निकलने, जितने भी सी में रहने वाले जानवर थे सब बाहर निकलने लगे और हरी को पिंच करने लगे. तब तक जब तक कि वो ब्लैक एंड ब्लू कलर का नहीं हो गया उसका पिंच. डू यू लाइक इट, सेड ऑल द क्रिएचर्स इन सरप्राइज. सबने हरी से पूछा, डैड डू यू लाइक इट, क्या तुम्हें ये पसंद आया? व्हाई यू वेर टोल्ड, वी वेर टोल्ड यू वुड लव टू सी अस बिकॉज You were a champion pincher and prickers yourself. हमें तो बताया गया था कि तुम तो चैम्पियन हो पिंचर में और तुम्हें ये पसंद है. कम कम ज्वाइन
इन द फन। चलो आओ फन करते हैं, इस फन में ज्वाइन हो जाओ, पिंच करने के फन में। ओके, कौन बोल रहे हैं ये? लॉब। ऑल द क्रिएचर्स टू हरी। हरी लिप्ट टू हिज फीट, क्राइंग लाउडली, वो जोर से रोने लगा। हिज लंच रोल्ड इन टू द पूल, उसका जो लंच था वो रोल होके कहाँ पे गया? पूल में चला गया। एंड व्हेन द क्रैब्स एंड लॉबस्टर सॉ इट, दे रैन टू इट एंड बिगन टू इट्स फिस्ट ईयरली। जब सब क्रेजर ने वो लंच देखा तो सब लोग क्या करने लगे? उसकी लंच की तरफ जाने लगे और खाने लगा। हरी सॉ डैट दे हैड फॉरगॉटन हिम फॉर अ टाइम। हरी ने देखा कि कुछ समय के लिए वो क्रिएचर्स थे वो हरी को भूल गए। दैट्स वाई ही टर्न एंड रैन फॉर हिज लाइफ। फिर वहाँ से वो घूमा और जाने लगा अपने लाइफ को बचाते हुए। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज चीक्स, वो रो रहा था। दे ओनली डिड टू मी व्हाट आई कीप डूइंग टू अदर चिल्ड्रन, ही थॉट। देन आफ्टर हरी थॉट डैट, वो क्रिएचर्स ने वही किया जो मैं दूसरे बच्चे के साथ करता हूँ। वो भी तो सबको पिंची करता था, टीच करता था, और क्रिएचर्स ने भी हरी के साथ वही किया। बट हाउ इट हर्ट, ये तो इसमें तो दर्द होता है, ये हरी को अभी महसूस हुआ। एंड हाउ आई हेटेड दोज क्रैब्स एंड लॉबस्टर, मैं कैसे अभी वो क्रैब और लॉबस्टर को हेट कर रहा हूँ। आई सपोज द अदर चिल्ड्रन हेट मी टू, इसीलिए सब दूसरे चिल्ड्रन भी हरी को क्या करते थे? हेट करते थे। ही रियलाइज डैट, वेल आई जॉली वेल सेंट पिंच और प्रिक्ट एनी मोर, अब मैं किसी को भी टीज भी नहीं करूँ, पिंच भी नहीं करूँ, कि कुछ भी नहीं करूँ। दैट हरी थॉट। ओके, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ द लिटल बुल्ली। एंड यूनिट नंबर 8 इज कंप्लीटेड। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। डू एक्सरसाइज इन योर नोटबुक्स एंड कीप रीडिंग।